नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी एआई एंकर गौरी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मणिपुर में सीबीआई जांच के दायरे में आए शुरुआती 11 मामलों की तफ्तीश के लिए पुलिस उपनिरीक्षक यानी डीआईजी स्तर के 3 अधिकारियों सहित 53 अधिकारियों को सूची जारी कर दी गई है। इसमें 2 महिला डीआईजी रैंक के अधिकारी समेत 29 महिला अधिकारी भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भोजपुरी गायिका निशा पांडेय और 2 अन्य लोगों के खिलाफ एक महिला ने मामला दर्ज करवाया है। महिला ने निशा के खिलाफ उसकी अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया है। महिला की तहरीर पर सुशांत गोल्फ सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। साइबर क्राइम सेल की मदद से मामले की जांच की जा रही है। पीएम पोषण योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का मेन्यू बदल दिया गया है। इसके तहत अब बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हफ्ते में 4 दिन दाल युक्त भोजन के साथ ही बच्चों को रोजाना मौसमी सब्जी खिलाए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी किए गए मेन्यू के आधार पर बच्चों को पोषक तत्वों से भरपूर श्री अन्न भी दिया जाएगा। जयपुर मुंबई सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में हुई फायरिंग के मामले में आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी चेतन सिंह को आरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। ये फैसला अदालत की इस टिप्पणी के बाद आया है कि कैसे आरोपी चेतन सिंह ने अपने वरिष्ठ एसआई टीकाराम मीना और 3 अन्य यात्रियों को टारगेट किलिंग तरीके से मार डाला। आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान की मुश्किलें कम नहीं हो रही है और देश की जनता पर एक बार फिर महंगाई का बम फूटा है। शहबाज शरीफ सरकार का कार्यकाल पूरा होने के बाद बीते सोमवार को ही देश में कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था और पहला फैसला देश की जनता पर बोझ बढ़ाने वाला साबित हुआ है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अचानक से बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया। अगर आप भी सोना खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। इस कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन बुधवार को सोने के दाम में नरमी दर्ज की गई। हालांकि चांदी की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई। इसके बाद सोना और चांदी अपने महंगाई के उच्चतम स्तर से 28 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 62 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भी ज्यादा सस्ती मिल रही है। सनी देओल की गदर 2 जहां बॉक्स ऑफिस पर तूफान बनी हुई है, तो वहीं रजनीकांत की जेलर भी टिकट काउंटरों पर अपनी शानदार परफॉर्मेंस से नए रिकॉर्ड बना रही है। फैंस अपने थलाइवा की फिल्म को भरपूर प्यार दे रहे हैं। इसी के साथ ये फिल्म जमकर नोट छाप रही है। फिल्म ने स्वतंत्रता दिवस पर 33 करोड़ रुपए की जबरदस्त कमाई की थी। टीम इंडिया आयरलैंड के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत कल से करने जा रही है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला 18 अगस्त को होगा, जिसके लिए भारतीय खिलाड़ियों ने आयरलैंड में नेट्स पर जमकर पसीना बहाया। जसप्रीत बुमराह भी लंबे समय बाद नेट्स पर पूरी लय में नजर आए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।